पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने प्रदेश की जनता को बड़ा तोहफा दिया है। सीएम भगवंत मान ने लुधियाना पहुंचकर टाटा स्टील प्लांट की नींव रखी है। लुधियाना की साइकिल वैली में प्लांट लगाया जा रहा है और जमशेदपुर के बाद टाटा का दूसरा बड़ा प्लांट है। ये प्रोजेक्ट 115 एकड़ जमीन पर बनेगा और 2600 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा। अगले साल तक प्लांट तैयार हो जाएगा। वहीं इस पर सीएम भगवंत मान ने जानकारी देते हुए बताया कि टाटा स्टील के यहां आने से इंडस्ट्री को भी मजबूती मिलेगी, युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। सबसे बड़ी बात जो है कि 298,000 नौजवान बच्चे बच्चियों को रोजगार मिलेगा। अब तक हमारे पास लगभग 57,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट आ चुकी है। मैं एमओयू की बात नहीं करता, हम एमओयू को कहते हैं मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। हमारा तो दिल का होता है, हमारा दिल का मेमोरेंडम होता है, दिल से साइन होते हैं। अब तक 57,000 रुपया दिल से साइन होके लग चुका है, जब लग रहा है उसमें 2600 करोड़ आ जाए वो इंक्लूडेड है। वहीं नींव रखने के दौरान टाटा स्टील के डायरेक्टर ने कहा कि टाटा स्टील को पंजाब के लोगों से जो प्यार मिल रहा है वह शायद ही कहीं और मिल सके। इस दे वास्ते मैं पहले तो सीएम साहब नूं ते दूजे सारे जिले ब्यूरोक्रेट्स पॉलिटिशियंस ने सबसे ज़्यादा इत्थे दी पंचायत सरपंच इत्थे दे लोग जिस तरीके नाल तुसी सारे ने सानू वेलकम किया है, अवगत किया है, जीना लगाया है। मैं लगता है कि ये रिकॉर्ड है कि 12-14 महीने अंदर एक एनवायरमेंट क्लीयरेंस होया है, सीटी मिले है, तो आज ग्राउंड ब्रेकिंग हो रही है। मैं पब्लिक हेयरिंग भी देखी है, पब्लिक हेयरिंग जिन्ना सानू इत्थे सपोर्ट मिलिया है वो मैनू नहीं लगता किसी भी और प्रोजेक्ट में सानू टाटा स्टील नू मिलिया होएगा। टाटा स्टील के मैनेजिंग डायरेक्टर ने कहा कि हम वास्तव में पंजाब को टाटा स्टील में अपने लिए एक और घर बनाने के लिए उत्सुक है। उन्होंने कहा, मेरा मानना है कि पंजाब राज्य के साथ हमारी दीर्घकालीन और पारस्परिक रूप से लाभकारी साझेदारी होगी। टाटा स्टील ऑलवेज बिलीव्स इन बिल्डिंग अ लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल बिजनेस, ऑल्सो बिलीव्स इन टेकिंग द कम्युनिटी अलॉन्ग वेयर एवर वी बिल्ट आवर फैसिलिटीज एंड वी रियली लुक फॉरवर्ड टू अ लॉन्ग एंड म्यूचुअली बेनिफिशियल पार्टनरशिप विद द स्टेट ऑफ पंजाब एंड टाटा स्टील। थैंक यू वेरी मच फॉर वेलकमिंग अस हियर। थैंक यू। बता दें कि सीएम ने जमीन देने वाली पंचायतों का धन्यवाद किया है और कहा कि प्रोजेक्ट में जमीन देने वाले लोगों के बच्चों को पहल के आधार पर रोजगार मिलेगा। साथ ही उन्होंने बताया, टाटा ने वादा किया कि पंजाब के युवाओं को पहले आधार पर रोजगार दिया जाएगा। जानकारी के अनुसार यह स्टील प्लांट टाटा का देश का दूसरा सबसे बड़ा स्टील प्लांट है। वहीं मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बताया कि इस तकनीक के प्लांट में स्क्रैप को रिसाइकलिंग कर स्टील बनाएंगे। ग्रीन पावर को लेकर भी काम किया जाएगा ताकि कम से कम बिजली का इस्तेमाल हो।